हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि है बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल। और ये रेसिपी जो है वो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं और जो लोग बैचलर हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये रेसिपी, क्योंकि इसमें बनाने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाता है और आप कहीं भी इसे बना सकते हो, कभी भी कोई भी बना सकता है इसको। तो बनाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही मैं मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैलॉग्स चौकोस बनाने के लिए मैंने एक पैकेट लिया है, कैलॉग्स का चौकोस लिया है मैंने, और मैंने लिया है कैटल के अंदर मैंने दूध डाल दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूध को उबालेंगे। तो दूध को उबालने के लिए मैंने कैटल के अंदर दूध डाल दिया है, अभी क्या करेंगे कैटल का स्विच ऑन कर देंगे। तो कैटल का स्विच मैंने ऑन कर दिया है, दूध में जो है धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो चुका है। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे कैटल का स्विच ऑफ कर देंगे। तो अभी हम चौकोस डाल लेंगे इस बर्तन में। तो चौकोस हमने डाल लिया है, अभी हम क्या करेंगे इसके ऊपर दूध डालेंगे, जो अभी हमने गर्म किया था दूध वो डाल देंगे इसके अंदर। तो दूध मैंने डाल दिया इसके अंदर, चम्मच से मिला देंगे इन सब चीजों को। आप चाहो तो इसके अंदर चीनी डाल सकते हो, लेकिन चीनी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप चीनी यूज ना करें, क्योंकि इसको हेल्दी बनाना है तो आप चीनी का यूज ना करें। हो सके तो आप हनी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6-7 काजू लिया है, काजू डाल देंगे इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे काजू डाल रहा हूँ। ऊपर से काजू डाल देंगे, मिला देंगे। तो ये झटपट सी हमारी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता इस पे, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद अगर आप खाना चाहते हो तो खुद भी खा सकते हो, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और आज के लिए बस इतना ही, एक नए रेसिपी के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।